हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनडीए के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक और पार्ट। इससे पहले का कई पार्ट बनाए जा चुके हैं, जिसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते हैं कि ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, बी, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और डी, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ होता है। तो देखिए, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए है, बौद्ध और जैन दोनों धर्म ही कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते हैं। तो ए इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू। कौन सी धातु नाव बनाने में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि यह समुद्री जल में संक्षारित नहीं होती, यानी कि इसमें जंग नहीं लगती। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी, टाइटेनियम। जो धातु होती है ये समुद्री जल में संक्षारित नहीं होती, इसलिए नाव बनाने में टाइटेनियम धातुओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है? ए, वायु तथा जल का, बी, कोबाल्ट हाइड्रोजन नाइट्रोजन का, सी, कोबाल्ट तथा नाइट्रोजन का, और डी, कोबाल्ट तथा हाइड्रोजन का। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है, जो प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण होता है वो आपका कोबाल्ट और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है इसका। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। धातु जो सर्वाधिक आसानी से फोटो इलेक्ट्रॉनों को देती है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन जिसमें से आसानी से निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देती है, तो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम और सीजियम में से सबसे अच्छे जो फोटो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो आपका सीजियम की धातु होती है जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि जो सीजियम है इसका जो आयनन विभव है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव। बाहरी चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए यंत्रों के चारों तरफ किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? ए, कांच का परिरक्षण किया जाना चाहिए, बी, लौह परिरक्षण किया जाना चाहिए, या रबर का परिरक्षण किया जाना चाहिए, या तांबे का परिरक्षण किया जाना चाहिए। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए, चुंबकीय प्रभाव को खत्म करने के लिए लौह परिरक्षण किया जाना चाहिए, यानी कि चारों तरफ से लोहा लगा देना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। यदि किसी ग्रह पर गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/9 हो, तो उस ग्रह पर किसी सरल लोलक के दोलनों की आवृत्ति क्या होगी? तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने या घटने पर आवृत्ति के मान पर क्या प्रभाव होता है, देखते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, आवृत्ति पृथ्वी के लिए अगर लें तो (n=1/2π)√g/L, वैसे इसके आवर्तकाल का सूत्र होता है (t=2π√L/g), तो इसको रिवर्स करके आवृत्ति के लिए बना लिया। ऐसे ही प्लैनेट के लिए (np=1/2π√g/9) कर दिया, इसको 9 गुना कम कर दिया और ये एल लगा दिया। जब आप इसमें डिवाइड देंगे तो डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो (ne/np=1/9) का जो रूट है 1/3, तो ग्रह पर जो आवृत्ति होगी पृथ्वी की आवृत्ति की 3 गुनी होगी। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो जो डी ऑप्शन है इसका, 3 गुना, ये सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि मैच करता है? तो देखिए, अनुसूचियां दे रखी हैं आपको और विषय इसके दे रखे हैं, तो आप इसमें से पढ़ेंगे तो आपका जो ए ऑप्शन है, यानी कि केवल एक जो नंबर है ये सही है। जो चतुर्थ अनुसूची है वो राज्यसभा में स्थान के आवंटन के लिए उपयोग की जाती है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट। रूबी एक लाल रंग का कीमती पत्थर है, इसके लाल रंग का क्या कारण होता है? क्या कारण है? ए, आयरन ऑक्साइड की वजह से, जिंक ऑक्साइड की वजह से, सी, क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से, या डी, कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से जो रूबी एक लाल रंग का जो कीमती पत्थर है उसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भाप आसवन को किसके निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाता है? तो भाप आसवन को किसके निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसको याद कर लीजिए आप, ए ऑप्शन सही है, आवश्यक तेलों के निष्कर्षण के लिए इसका उपयोग भाप आसवन विधि का किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सही कथनों को चुनिए। एक, स्टार्च पौधों का मुख्य संचित भोज्य पदार्थ होता है। सेकंड, इसका स्टार्च एक एकल यौगिक है। और तीसरा, अल्फा एमिलोस एक रेखीय बहुलक होता है। तो जब आप इसमें देखेंगे तो फर्स्ट, एक और तीन ये दोनों सही हैं, इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है, एक और तीन ये दोनों सही हैं, यानी कि स्टार्च पौधों का एक मुख्य संचित भोज्य पदार्थ होता है। और तीसरा, इसका अल्फा एमिलोस एक रेखिक बहुलक होता है, जबकि जो इसका जो सेकंड है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं, तो क्या क्या सम्मिलित हैं? पहला, इसका विधानसभा और राज्यपाल। सेकंड, विधानसभा और विधान परिषद। तीसरा, विधानसभा तथा राज्यपाल। और चौथा है इसका राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो आपका जो डी ऑप्शन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित, ये चौथा है आपका, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, ये सभी सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसका जो डी ऑप्शन है, केवल जो चौथा नंबर है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नेक्स्ट देखिए, ए, डोलड्रम वायु अपसरण का क्षेत्र है। बी, अश्व अक्षांश वायु अपसरण का क्षेत्र है। सी, उत्तर की तुलना में दक्षिणी ध्रुवीय पवने अधिक नियमित होती हैं। या फिर डी, व्यापारिक पवने अन्य किसी पवनों में सर्वाधिक नियमित होती हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसका जो सी ऑप्शन है ये आपका गलत है, उत्तर की तुलना में दक्षिणी ध्रुवीय पवने अधिक नियमित होती हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बाकी आपका जो ए बी सी ये तीनों ही सही हैं। तो आपसे असत्य पूछा है, तो असत्य जो कथन है वो सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए। ए, सभी अयस्क खनिज होते हैं। बी, सभी खनिज अयस्क होते हैं। सी, खनिज अयस्क नहीं होते। या डी, एक अयस्क खनिज नहीं होता। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है, सही जो कथन है वो ए ऑप्शन इसका सही है, सभी जो अयस्क होते हैं ये खनिज होते हैं। बाकी जो आपके जो बी सी डी हैं ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो जल में अधिकतम विलेयता रखता है, ए, थैलिक अम्ल है, बी, सक्सेनिक अम्ल है, या सी, मैलोनिक अम्ल होता है, या डी, सैलिसिलिक अम्ल होता है। तो देखिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो जल में अधिकतम घुलनशील होता है, विलेयता देता है, तो इसका जो सी ऑप्शन है, मैलोनिक अम्ल रखता है, यानी कि ये मैलोनिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, ब्रिटेन, या फिर डी, स्विट्जरलैंड। तो इसे याद कर लीजिए, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कि संविधान की जो लिखित अवधारणा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, और सबसे पहले संविधान जो लिखित था वो यहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का ही लिखा गया। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा ये सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके एनडीए के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी मैं लगातार क्वेश्चनों को लेके आता रहूँगा। थैंक यू।